इस नए ब्लॉग में कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं जा रही हूँ सूरत। सूरत में एक महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसका भी दर्शन करने वाले हैं और आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे। जिस ट्रेन में ये ट्रेन का नाम है मेमो स्पेशल, जो संजान से लेके सूरत तक जाती है, और एक व्यक्ति का 60 रुपया इस ट्रेन का किराया है। ये संजान से 7:10 ट्रेन चलती है और सूरत में 10:30 तक हमें पहुंचा देती है। मेरी बहन भी है, देखो एक जो बहन है वो यहाँ पे सोई है, क्योंकि 10:30 पहुंचना है और अभी बज रहे हैं 7:30, और एक यहाँ पर बैठी है। तो हम 3 लोग जा रहे हैं। जाने का कारण भी यही है कि अभी दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, तो सब लोग घर पे ही हैं। जॉब की भी छुट्टी है, स्कूल कॉलेज की भी छुट्टी है, तो अभी घर पे बैठे हैं तो सबका इच्छा है कि थोड़ा सा हम घूम लें, मार्केट भी घूम लें, मंदिर के दर्शन भी कर लें। इसीलिए सब घूमना भी चाह रहे हैं, इसीलिए भी हम लोग जा रहे हैं। तो ब्लॉग के अंदर आप कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नई हम लोग दिखाएंगे। देखेंगे ना, तो ये ट्रेन पूरा खाली है। इस ट्रेन के अंदर मैं हूँ, ये लेडीज़ डिब्बा है और अभी खाली चल रहा है, क्योंकि दीपावली की वजह से एक दो दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वापी थोड़ा सा मैं आप लोगों को वापी का स्टेशन भी दिखा देती हूँ, तो ब्लॉग के अंदर आप लोग बने रहें और मेरे साथ भी आप लोग घूमते रहें। ये हम आ चुके हैं वापी स्टेशन पे। वलसाड से ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है। सूरत हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेशन है और कितनी साफ सफाई यहाँ पर है। से 250 रुपया हमारा लिया है, एक सीट का 50 रुपया होता है, लेकिन लोकल उतने लोग मिलने चाहिए, तो हम 3 ही लोग थे तो स्पेशल लेके गया हमें, तो 250 रुपया लिया। तो हम रिक्शे में बैठ के, और ये एक जगह ट्रैफिक लगी थी रास्ते में ही, तो ये भाई साहब ट्रैफिक कम करने में लगे हुए हैं। गाली देला बजा यार, काफ़ी पतला रोड था। जब हम कामरेज से जब कलतेश्वर महादेव मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में ही ये रोड बहुत पतला है, तो थोड़ी भी गाड़ियाँ आती है ना तो थोड़ा फंस जाती हैं, तो इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, ट्रैफिक हो गया है। और कलतेश्वर महादेव मंदिर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं।
सामने भोजनालय बना हुआ है, फिलहाल में ये बंद है। यहाँ पे भोजन कराया जाता है भक्तों को। ये हम यहाँ से प्रवेश करेंगे अब अंदर की तरफ। आपको दिखाएं, जो दूर दूर से भक्त आते हैं अपना खाना लेकर आते हैं और यहाँ पे सब बैठ के खाते हैं, हम देख सकते हैं। अब आपको हम अंदर की ओर लेकर चलते हैं और कोशिश करेंगे कि पूरा आपको दर्शन कराएं। भगवान हनुमान जी का यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। ये भी हनुमान दादा का ही है मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति 65 से 70 फीट ऊंची है। इस मूर्ति के नीचे ही, भगवान शंकर की मूर्ति के नीचे एक गुफा बनी हुई है जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन आपको कराएंगे। अभी हम आपको राम जी मंदिर के अंदर लेके आए हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको इनके दर्शन करा पाएँ, क्योंकि फ़ोटो वीडियोग्राफी मना ही थी, फिर भी थोड़ा सा आपने दर्शन किया। अब हम चलते हैं गुफा के अंदर जहाँ पर विराजमान हैं 12 ज्योतिर्लिंग, और आपको हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे एक साथ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।
12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम गुफा से बाहर आ गए हैं। अब हम आपको पूरा प्रांगण का एक बार दर्शन करा के, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करा के, हम आपको लेकर चलेंगे अब त्रिवेणी संगम पर। वहाँ का आपको दर्शन पूरा कराएंगे। बोलिए प्यार से भगवान भोलेनाथ की जय। अब हम चलते हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पर कहा जाता है कि 3 नदियों का संगम होता है वहाँ पर, और उस पानी से जो व्यक्ति नहाता है उसके सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाने से पहले हम घंटा बजा लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, तो मैं और मेरी बहनें जो हैं हमने मिलकर घंटा बजाया। घंटा बजाने के बाद फिर हम आपको लेकर चलेंगे त्रिवेणी संगम। वहाँ पर जाने की एक व्यवस्था है जिसके तहत हमें जाना पड़ता है। तो हमें एक कार्ड लेना पड़ता है, जो एक कार्ड 50 रुपये का आता है। आप वहाँ पर जाकर नहा सकते हैं। हमने ले लिया 50 रुपये का 3 कार्ड हम तीनों बहनों के लिए। फिर यहाँ पे हमें जमा करना रहता है। जमा करके फिर हमें लाइन से जाएंगे, और फिर आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे भाई साहब कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं। फिर कार्ड वाइज हमें अंदर एंट्री होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जा रहे हैं, और यहाँ पे जिसको भी चर्म रोग है या फिर नहाना है, यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो उसके अंदर हम सब नहा सकते हैं। आपको हम दर्शन कराते हैं तीनों नदियों का। दर्शन मात्र से भी जीवन बहुत सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। आके आप प्रणाम कर सकते हैं। बगल में आप देख सकते हैं तापी नदी। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पे भक्त जो हैं यहाँ पर नहा रहे हैं। एक खुशी का माहौल, एक अलग उमंग ऊर्जा आप इनके अंदर देख सकते हैं। बहुत भीड़ लगती है। गलतेश्वर महादेव जी का दर्शन कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से मैं इनका एक क्लिप ले पाई हूँ। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है और बहुत सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिली है। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बाय बाय। हरि हर, हर हर महादेव।